आइए मेरे श्रोता बंधुओं, गौर करते हैं इस बारहमासी में सप्ताह की बैठक होती है और सप्ताह के जो सात बेटा होते हैं इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अपनी अपनी बात सभा में रखते हैं। किस प्रकार आप सुनेंगे एमपीआई स्टूडियो के माध्यम से। अरे कदिना की बात, सवा सप्ताह की होती है, तो भैयन में मिल जुल कर बातें होती भैया रामवीर। इतवार की बात सुनते ही सोमवार सभा में बोल उठे दर्शन भैया, कहा बोले अरे सुने इतवार की बात सभा में सोमवार बोले ही, अरे सभा में सोमवार बोले ही, अब नहीं जन्मे सवार सुमित फिर काम पे हो बेगी। अब मेरी रवानी होगी भैया तुम्हारे अवसर में, इतवार की बात सुनी सोमवार की बात सुनी मंगल भैया सतपाल बोले अरे तवार सोमवार की बात सुनी तब मंगल भैया ने, अरे सुनी जब मंगल भैया ने, जाए तवार नए सुमित पर मंगल नहीं होवे।
भींगे ससोली जो संग लगाई तुम्हारे सनमी जाविंगे भैया रामीर सोमवार मंगल की बात सुनकर बुधवार सभा में बोल उठे का बोले अरे सुनी मंगल की बात कब दबार सभा में बोले अरे कब दोबारा सभा में बोले अब बिना सुमति मंगल के बिना अब गोतिकार होवे बुधवार भैया कहने लगे भैया जहाँ मंगल नहीं है सुमित नहीं है इतवार नहीं है तो बुध कहाँ से आएगी भैया मैं भी आपके साथ इस दुनिया से विदा लेने वाले हैं। गुरुवार बोलने लगे अरे गुरुवार सभा में बोल उठे अब हमें भी नहीं रहना अरे सभा में हमें भी नहीं रहना अब बिना कोट के गुरुओं का सम्मान नहीं रहना सही बात सुनी ससुराल भैया शुक्रवार ने जी पड़े सभा में आरे बोले फिर शुक्रवार पाई जहां गुर को नहीं सम्मान सुख पाओ पर का भाई अब तुम संग भैया चले खबर नहीं नकीले बिंगे जैसे ही छह भैयों की वाणी को शनिवार भैया ने सुनी तो क्रोध करके बोलने लगे दर्शन भैया अरे सुनी भैया न की बात अरे सुनी भैया न की बात बात में शनिवार बोले
कर बोले तुम मन में मती गवराओ खबरे हमारे नगीले से ताकों से तो फल मिले पर खुद पा कोई अब वरनी और बोले सनवार भैया पे बार दिलाए ने याद बाए नानी बोलिए सनी देव महाराज।